जबलपुर में पकड़े गए फर्जी पत्रकार मीडिया क्राइम ब्रांच और संगठन कार्यकर्ता बनकर करते थे ब्लैकमेल। जी हां, बड़ी खबर आ रही है जबलपुर मध्य प्रदेश से, जहां पुलिस ने एक ऐसे ग्रोह का पर्दाफाश किया है जो खुद को पत्रकार बताकर लोगों के घरों में घुसते थे और उनके वीडियो फोटो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करते थे। ये गिरोह मुख्य रूप से प्रेमी जोड़ों को शिकार बनाया करते थे। लंबे समय से चले आ रहे इनके इस फर्जीवाड़े का खुलासा 5 दिन पहले मदन महल थाना अंतर्गत अंजनी बिहार में पकड़े गए सेक्स रैकेट से हुआ है। पुलिस ने इस ग्रोह के संतोष जैन, जेपी सिंह, पंकज गुप्ता, विवेक मिश्रा और अर्पित ठाकुर को गिरफ्तार किया है, जबकि 4 से 5 आरोपी अभी भी फरार हैं। पुलिस की कई टीमें इनकी तलाश कर रही हैं। इस फर्जी ब्लैकमेलिंग ग्रोह के पकड़े जाने के बाद अब पुलिस के सामने कई शिकायतें आ रही हैं और जो लोग इनके शिकार हुए हैं वे भी पुलिस के पास पहुँच रहे हैं। गौरतलब है कि 25 जुलाई की शाम अंजनी बिहार कॉलोनी के कुछ लोग 2 महिलाओं को पकड़कर मदन महल थाने ले गए और उन पर कॉलोनी में रहकर सेक्स रैकेट चलाने के आरोप लगाए थे। इस दौरान बजरंग दल कार्यकर्ता अर्पित ठाकुर और कुछ तथाकथित पत्रकार भी मौके पर मौजूद थे। पुलिस ने आनन फानन में कॉलोनी वासियों की शिकायत पर मामला दर्ज करते हुए दोनों महिलाओं को हिरासत में ले लिया। शिकायत के दौरान पुलिस हिरासत में आई महिलाओं ने यह आरोप लगाए थे कि बजरंग दल कार्यकर्ता अर्पित ठाकुर और कुछ तथाकथित पत्रकार उनके घर में घुसे थे और उनके वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल करने की धमकी दी थी। इसके बदले में उनसे 1,00,000 रुपए भी मांगे गए थे। पुलिस ने जब आरोपी महिलाओं की शिकायत पर भी जांच की तो पाया कि तथाकथित पत्रकारों द्वारा पहले महिलाओं के घर में घुसकर उनके वीडियो बनाए गए, वहाँ मौजूद महिलाओं के पुरुष मित्रों के साथ मारपीट की गई और उनसे 1,00,000 रुपए देने की डिमांड भी की गई, जिसके बदले में कुछ पैसे भी इन फर्जी ब्लैकमेलिंग गैंग द्वारा ले लिए गए थे। बहरहाल पुलिस अधिकारियों ने इस मामले में जब पड़ताल की तो पता चला कि गिरोह के संतोष जैन, जेपी सिंह, पंकज गुप्ता, विवेक मिश्रा और रवि बैन सहित अन्य लोग लंबे समय से इस तरह के ब्लैकमेलिंग के काम में जुटे हुए हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों में घूमकर लोगों की निजी जिंदगी से जुड़े तथ्यों की जानकारी जुटाते हैं और फिर उनके आने जाने की खबरें जुटाकर उनके घर में घुसकर उनके वीडियो बनाते हैं, जिसके बाद ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू होता है। सितंबर 2018 में भी इस गैंग ने एक तत्कालीन एसडीएम और तहसीलदार को भी इसी तरह ब्लैकमेल करते हुए लाखों रुपए लिए थे। हालांकि मामला प्रशासनिक अधिकारियों से जुड़ा था, इसलिए पुलिस ने इस मामले में ज्यादा गहराई से छानबीन नहीं की। इसके अलावा यह गैंग कई होटल्स और ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय रहती है, जो कभी पत्रकार तो कभी क्राइम ब्रांच अधिकारी बनकर प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों एवं शराब कारोबार करने वालों को ब्लैकमेल करती रहती है। बहरहाल इस गिरोह के सदस्य पकड़े जाने के बाद पुलिस के पास लगातार शिकायतें आ रही हैं। उम्मीद है कि गिरोह के बाकी सदस्य भी जल्द पकड़े जाएंगे और उनके काले कारनामों का खुलासा होगा। पुलिस अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि यदि इस गिरोह या और किसी ने पत्रकार बनकर उन्हें ब्लैकमेल किया है तो भी शिकायत दर्ज कराएं। उनकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। शहर के बाहर लगे थाना क्षेत्र में ज्यादा सक्रिय रहती थी गैंग। जी हां, फर्जी पत्रकारों का यह गिरोह तिलवारा, बरगी, धनवंतरी नगर, माढ़ोताल, विजय नगर, भेड़ाघाट व चरगमा तक काफी सक्रिय रहता था। कार से गिरोह के गुर्गे ग्रुप बनाकर निकलते थे। इनका रोज का टारगेट रहता था। आरोपियों ने क्राइम ब्रांच और पत्रकार बनकर कई शराब तस्कर, जुआ फड़ चलाने वाले, देह व्यापार के अड्डे पर दबिश देकर लाखों रुपए वसूल चुके हैं। यही नहीं, गिरोह से कुछ युवतियां भी जुड़ी हैं। ये इंजीनियर, बड़े अधिकारी और कारोबारियों को युवतियों के माध्यम से झांसे में फंसाते थे। फर्जी गैंग गिरोह ने ग्वारी घाट के भींग नगर में एक युवक के घर पहुंचकर उसे डराते धमकाते हुए खुद को क्राइम ब्रांच में होना बताकर 35,000 रुपए ऐंठ लिए, जिसकी शिकायत 30 जुलाई शुक्रवार को ग्वारी घाट पुलिस में दर्ज कराई गई है। पुलिस ने बताया कि भीमनगर निवासी 23 वर्षीय आशीष उर्फ आशु राजपूत ने शिकायत दर्ज कराई थी कि विगत 4 जुलाई को जब वह अपने किराए के मकान पर अपनी महिला मित्र के साथ बैठा था, उसी समय विवेक मिश्रा, जेपी सिंह व पंकज सहित 3 अन्य लोग पहुंचे और सीधे घर के अंदर जाकर गाली गलौज करने लगे, जिन्होंने खुद को क्राइम ब्रांच वाला बताकर रुपयों की डिमांड की और उसके दोनों एटीएम छुड़ा लिए और पिन कोड पूछकर एटीएम से 24,000 रुपए निकाल लिए। इसके बाद फिर पैसों की मांग कर उसके पास से 1,500 रुपए लिए। इसके बाद भी डराते धमकाते रहे और फिर
फोन पे से 11,000 रुपए ले लिए। इस तरह आरोपी ने उससे 35,000 रुपए ऐंठ लिए। बहरहाल जबलपुर पुलिस अब पूरे मामले को संजीदगी से लेते हुए जांच कर रही है। यहाँ पे तुम कितने दिनों से काम कर रही हो? चार दिन से। एक काम का तुमको कितना पैसा मिलता है? 500 रुपए। क्या नाम है? सोनम पटेल। कहाँ की रहने वाली हो? इससे कितने दिनों से संपर्क में आई? 3-4 दिनों से। शायद जेल जाने वाली होगी। नहीं, मत पहुंचवाओ, मत बेइज्जती करवाओ सर। क्या कर रहे थे तुम यहाँ पर और एकदम से मारने लग गए? तो मैंने बोली कुछ किए भी नहीं और मारने लग गए, क्या हो गया बताओ हमको भी। तो वहाँ से 2 लड़कों को भगा दिया उसने, जो उधर पे क्या कर रहा था पता नहीं मुझे। और 21,000 मेरे से बोलता पर्चे पत्र दिखा, आधार कार्ड। तो मैंने बोली गाड़ी में है, तो मेरी गाड़ी की चाबी निकाली, 21,000 रुपये निकाल लिया। और एक जो मेरे साथ लड़का आया हुआ था वो किसी विषय में भी नहीं आया था, बस मेरे साथ आया हुआ था, तो उससे 35,000 रुपये ले लिए इन लोगों ने। और ना कोई महिला नहीं आई हम लोग को पकड़ने के लिए ना कोई, क्योंकि हम लोग कोई उसमें ही नहीं थे। और फालतू की वीडियो बोल रहे हैं कि लोग सेक्स रैकेट चलाते हैं, और हम लोग सेक्स रैकेट क्यों चलाएंगे ये बताओ। और कोई महिला नहीं आई, कोई जेंट्स वो नहीं आया। मेरे से 1,00,000 रुपए मांग रहे हैं और मैं गरीब इंसान हूँ, मैं कहाँ से दूंगी सर बताइए। ये अंजलि बिहार शुक्ला नगर का। हाँ, वो जो क्या नाम है उनका, बजरंग दल वाले, बजरंग दल वाले भी और उनके साथ पे कोई न्यूज रिपोर्टर लोग आए थे, उन लोग पैसे, अर्पित नाम है और जीव नाम है, और हाँ ये सब पैसे मांग रहे थे मेरे से, मैंने नहीं दिए। मुझे पता नहीं, उन लोग बोल रहे हैं कि मैं न्यूज रिपोर्टर हूँ और हम लोग यही काम पकड़ते हैं, ये है वो है। और जब हम ये काम ही नहीं कर रहे थे तो कैसे पकड़ते हूँ ये पैसे? अभी आपसे छीने हैं 30,000 और एक, हाँ 21,000 रुपये हमारा छीन लिए, उस पे से पर्चे से निकाल लिए। और क्या बोलते हैं, वो लड़का है जो हमारे साथ आया था, खाली वो हमें छोड़ने के लिए आया, तो उससे उन लोग ने मारपीट की और 31,000 रुपये, 30-35,000 रुपये गूगल पे करवाए। कहाँ गए हुए थे, कहाँ रहते थे? मैं तो बेदी नगर में रहती हूँ, मैं वहाँ पर आई बस थी। कितना घर था वो? घर मैंने किराए पे लिया है, घर बन रहा है मेरा, इसलिए किराए पे लिया। पर वहाँ पर क्या हो रहा था मुझे खुद नहीं पता था, मैं आज ही आई हूँ। और ये और हम लोग तीनों जन बस आए हैं और इतने में हम लोगों के साथ ऐसा कर दिए, और हमारे साथ कोई महिला नहीं आई थी। अगर हमने ऐसा किया होता तो महिला आती हमको पकड़ के लेके आती। क्या देखा आपने वहाँ, कुछ हो रहा था? देखा तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये चल रहा था सेक्स रैकेट, वहाँ पर सेक्स रैकेट चल रहा था, लेकिन हम लोग तो नहीं करवा रहे थे, हम लोग तो करवा ही नहीं रहे थे, तो हम लोगों को क्यों बोल रहा है? यहाँ पर वीडियो उन्हीं ने बनाई है। क्या नाम है? मेरा मुस्कान। चलो बाहर चलो, कहा देखो वहाँ कंडोम पड़े होंगे उसके वीडियो। बात सही, जय पंडित।
मदन महल क्षेत्र में दिनांक 25 जुलाई को अंजनी विहार में का एक मामला सामने आया है, जिसमें एक शिकायत हुई है कि कुछ लोग घुसकर पत्रकारों के भेष में घुसकर वहां अंदर घुसे और वहां कुछ महिलाएं थीं, उनकी आपत्तिजनक वीडियो बनाने लगे, उनके साथ मारपीट करने लगे, गाली गलौज की गई और उनको धमकाया गया और उनसे पैसों की मांग की गई। इसकी जाँच पश्चात इन लोगों का पता लगाया गया तो ये वहाँ पर जेपी सिंह, रवि बैन, संतोष जैन और अर्पित ठाकुर, पंकज गुप्ता और अन्य लोग कुछ अंदर घुसे थे जिन्होंने यह हरकत की है। इस शिकायत का संज्ञान एसपी सर ने लिया और इन लोगों के विरुद्ध धारा 452, 327, 323, 294, 354 का ख 327 और 147-48 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। अभी तक 4 आरोपियों पंकज गुप्ता, विवेक मिश्रा, संतोष जैन और जेपी सिंह की गिरफ्तारी की जा चुकी है। पता चला है कि ये लोग ऐसे कृत्य अन्य जगह भी किए हैं और लोगों के घर में घुसकर उनकी प्राइवेसी में खलल डाला जाता है इनके द्वारा, और कई बार क्राइम ब्रांच बनकर भी इन्होंने ऐसा पैसा मांगा। इनको कोई अधिकार नहीं है कि किसी के घर में घुसकर और इस तरह का कार्य करें। अगर कोई शिकायत भी आती है तो इनको पुलिस को शिकायत देनी चाहिए, कहीं भी किसी भी कानून में इनको अधिकार नहीं है। वो जो लड़कियां थी वहां पर उन्होंने आरोप लगाया कि पैसे ले लिए गए थे, कितने पैसे दे चुके थे उन्होंने? इस बारे में अभी जांच की जा रही है, आगे जो जांच में आएगा उससे मीडिया को अवगत कराया जाएगा। अन्य शिकायतें भी आई है जिनकी जाँच की जा रही है कि इन्होंने कई और जगह भी घरों में घुसकर ऐसे लूट की है और लोगों से अवैध वसूली की है, तो उनकी जाँच करने पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। सर, इनका ग्रुप बहुत बड़ा है, गैंग है, शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी जानकारी? पूर्व में शायद जानकारी आई थी, जब हमने अपराध पंजीवत किया तब कुछ लोगों ने बताया, कुछ मीडिया कर्मियों ने ही बताया कि इनका बड़ा गैंग है और इस तरह के कृत्य इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में भी किए हैं, और जैसे जैसे अब अपराध पंजीवत हुआ है तो शायद लोगों में एक हिम्मत होगी, लोग सामने आएंगे। कुछ लोगों के मेरे पास फ़ोन भी आए हैं, एक शिकायत हो रही है तो उन पर भी हम कार्रवाई करेंगे। हम लोगों से अपील करते हैं ऐसे जो समाज के दुश्मन हैं उनके विरुद्ध हिम्मत रखें, आगे आएँ, पूरी पुलिस आपके साथ हैं, न्यायालय प्रणाली आपके साथ हैं और हम उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।